हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आर्यन 45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, जो कि ऑलरेडी एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% है। देखिए यहाँ से, किसी संख्या का 40%, मान लीजिए संख्या जो है 1 है, ठीक है, तो 1 का 40% मतलब 40%, 40% बराबर है किसके, 60% से 30 कम। किसी संख्या का 40%, अब यहाँ पे 1 का 40%, 1 का 60% मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वही आएगा 40% और 60%, ठीक है, तो 40% बराबर है 60% से 30 कम, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि 60% माइनस 40% बराबर 30, यानी 20% का मान है 30। तो आप लोग संख्या निकाल सकते हैं, कैसे, संख्या मतलब 100% का मान, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा कर दीजिए, 100% कितना आएगा आपका, 150, ठीक है। अब जब संख्या निकल गई तो निकालना है संख्या का 20%, 150 × 20/100, 0000 कट जाएगा, आपका क्या आएगा, आपका 30। तो संख्या का 20% क्या है, 30, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 30। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो यह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो संख्याओं की बात हो रही है। पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो मान लीजिए पहली संख्या जो है x है, दूसरी y है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो यह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है, ठीक है। यदि पहली संख्या में 14 से भाग दिया जाता है तो ये बराबर हो जाती है दूसरी संख्या के 10% के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x/14, यहाँ पे क्या आएगा आपका 10y/100। तो यहाँ से एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे, x/10y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14/100। यहाँ से 10 को भी यहाँ पे भेज दीजिए, x/y बराबर 14/100 × 10 हो जाएगा, काट देंगे तो 14/10। ध्यान दीजिएगा x/y का मान क्या है, 14/10, यानी कह सकते हैं x का मान 14, y का मान 10। तब यहाँ पे पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान 14 है, y का मान 10 है, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं x का मान जो है 4 ज्यादा है 10 से, ठीक है। अब 4 ज्यादा है 10 से, ठीक है, 4 ज्यादा है 10 से, तो 4/10 × 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है आप लोगों को, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत में निकालना है। अब यहाँ पे 4 ज्यादा है तो 4/10 × 100 काट देंगे, यानी 40% आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 40%, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 40% अधिक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। यदि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की कमी, ध्यान दीजिएगा लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी होती है तो इसके वर्तमान क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। सबसे पहले लंबाई की बात हो रही है, 50% की वृद्धि, 50% का मतलब होता क्या है, 50/100, यानी कह सकते हैं 1/2। अब 1/2 की वृद्धि मतलब 2 से 1 ज्यादा, अगर पहले लंबाई 2 है तो बाद में हो गई 3, क्योंकि 2 से 1 ज्यादा, 50% की वृद्धि मतलब कि 1/2, इसका मतलब क्या है, 2 से 1 ज्यादा, अगर पहले वाली लंबाई 2 है तो बाद में हो गई 3, 50% वृद्धि के बाद 3, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चौड़ाई की बात करें, 25% की कमी, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से 1 कम, पहले 4 है, 4 से 1 कम 3 हो गई, ये हो गई चौड़ाई। लंबाई में 50% वृद्धि 2 से 3, चौड़ाई में 25% की कमी 4 से 3। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो पहले क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 × 2 = 8, और बाद में क्षेत्रफल 3 × 3 = 9, तो 8 से क्षेत्रफल 9 हो गया। अब इसी को प्रतिशत में निकालना है, 8 से 9 हो गया, यानी 1 की वृद्धि हुई है, ठीक है, 1 की वृद्धि हुई है 8 में, × 100, ठीक है। हल करेंगे तो आपका आएगा 12.5%, ठीक है, इसके वर्तमान क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से असफल रहा,
सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। परीक्षा में कुल अंक याद कीजिए। परीक्षा में कुल अंक का मतलब क्या है, आप लोगों को 100% का मान निकालना है। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले विनोद की बात करें, विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए लेकिन ये पास नहीं हुआ, 10 अंकों से फेल हो गया। अगर 25% में 10 अंक और जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सचिन की बात करें, सचिन के केस में क्या है, इसने 30% अंक प्राप्त किए लेकिन उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक ज्यादा थे, तो पासिंग मार्क से 20 अंक ज्यादा प्राप्त किए, तो अगर इसमें से 20 घटा दें तो ये भी पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए लेकिन पासिंग मार्क से 20 अंक ज्यादा, तो 20 घटा देंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा पासिंग मार्क के। अब देखिए इन दोनों केस में देखिए, इधर पासिंग मार्क इधर पासिंग मार्क, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। 25% प्लस 10 बराबर 30% माइनस 20, तो परसेंटेज को साथ में हल करेंगे, 30% माइनस 25% बराबर 10 प्लस 20 हो जाएगा, 5% का मान आएगा 30। ठीक है, यानी 1% का मान क्या आएगा, 6। तो आप लोगों को निकालना है 100% का मान, यानी 100 × 6 मान आएगा आपका। परीक्षा में कुल अंक ज्ञात करना है, आपका आएगा 600। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।